दोस्तों हमारे पास एक डेटा है जो कि स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल्स है और यहाँ पर सभी स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि फाइनल मार्क्स वाले कॉलम में इन सभी मार्क्स में 5 नंबर अलग से ऐड करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि शीट 2 में जो ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है 5 नंबर, इसी नंबर को बाकी सारे मार्क्स में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद मार्क्स वाले इस पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देके शीट 2 में आएंगे और ग्रेस मार्क्स वाला ये जो सेल है 5 नंबर का, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे जिससे हमारा ये सेल फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो इस नंबर में, इस मार्क्स में 5 नंबर ऐड हो चुका है। अब इसे ड्रैग करेंगे तो बाकी सारे मार्क्स में 5 नंबर अलग से ऐड होकर फाइनल मार्क्स यहाँ पर निकल के आ गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।